राधे राधे, साधना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमने फिर से आज आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आए हैं, रस भरी। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़ा बांध लेंगे बर्तन में। इससे क्या है कि हम ये कपड़ा इसके अंदर ना जाए, हम छेने को डालेंगे। तो देखिए, मैंने 1 किलो दूध लिया है और ये मेरा छेने का पानी है। आप नींबू से भी फाड़ सकते हैं, सिरका से भी फाड़ सकते हैं। तो मैं छेने का पानी लिया है। मैंने 1 गिलास पानी ले लूँगी। मैंने दूध पहले से ही गर्म करके रख लिया था। हमको थोड़ा पानी डालना है, यानी आधा गिलास डाल के हम फिर से इसको देख लेते हैं पानी से। अभी हमारा दूध नहीं फटा है, ये थोड़ा पानी हमको और डालना है और हमको ये हल्के हाथ से चला देना है। मैंने सारा पानी डाल दिया है, पूरा 1 गिलास पानी डाला है मैंने। तो देखिए मेरा दूध फट चुका है, एकदम छैना छैना अलग हो गया है, पानी पानी अलग हो गया है। कितना बढ़िया से मेरा दूध फटा है ये। आप नींबू से भी दूध को फाड़ सकते हैं, सिरका से भी फाड़ सकते हैं। मैंने छेने का पानी लिया है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने कपड़ा बांधा है उसमें हम ये पानी छेना डाल देते हैं। जो मैंने कपड़ा बांधा है बर्तन में उसमें डाल देंगे अब हम इसको। इससे क्या है कि हमारा छेना रुक जाए और पानी अंदर चला जाए इसके। हमको ऐसे हिसाब से डालना है। देखिए मेरा सारा पानी इस कपड़े में से बर्तन में निकल चुका है और छेना छेना मेरा कपड़े में रह गया है। अब हमको ये सबको लेके अच्छे से निचोड़ लेना है। सारा पानी निकाल लेंगे इसका। इससे क्या है कि हमको ये निचोड़ लेना है, अच्छे से निचोड़ लेंगे इसको। जितना भी हम इसको निचोड़ेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। पानी नहीं रहना चाहिए छेने में हमारे में। तो देखिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है और 500 ग्राम मैंने चीनी ली है। अब क्या करेंगे, हम इसको चाशनी बना लेनी है इसकी और इसको चलाते रहना है। जब तक हमारी चीनी नहीं घुलेगी तब तक हमको ये चलाते रहना है। इससे क्या है कि ये हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए। तब तक हमारे छेने का पानी निचोड़ रहा है, उसमें से सारा पानी निकालना ज़रूरी है। बिल्कुल पानी उसमें नहीं रहना चाहिए। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो देखिए मैंने गैस को तेज ही रखा है, कम नहीं रखा है मैंने, जैसे जल्दी से हमारी चीनी घुल जाए पानी में। तो देखिए मेरी 10 मिनट पूरी हो चुकी हैं। 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पर रखा था। तो मेरा छेना अच्छे से पानी निकल चुका है और कितना टाइट हो चुका है मेरा छेना, एकदम पानी निकल चुका है। अब जो भी हमारे कपड़ा में ये लग चुका है इसको भी हम निकाल लेते हैं, सबको निकाल लेंगे। मैंने 1 चम्मच अरारोट लिया है। अब क्या करेंगे, हमको ये हथेली की सहायता से सॉफ्ट कर लेना है, एकदम हम इसको चिकना कर लेंगे। इससे क्या है कि जो हमारा छेना है ये बिल्कुल दरदरा नहीं रहे, दानेदार नहीं रहे, ये एकदम चिकना हो जाए। तो हमको ये हथेली की सहायता से सॉफ्ट कर लेना है। हमको जितना इसको सॉफ्ट करेंगे उतना ही हमारी रसभरी बनके तैयार होंगी। हमको इसकी रसभरी बनानी है। रसभरी बहुत ही सबको पसंद होती हैं, किसको पसंद नहीं होती, बच्चे बड़े सभी को अच्छी लगती हैं और हमें भी खास करके बहुत ही ज़्यादा पसंद है रसभरी, इसीलिए। तो देखिए हमको ऐसे ही सबको चिकना कर लेना है। कितना बढ़िया से हमारा चिकना होके आ रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट। मिठाइयाँ किसको पसंद नहीं होती, सबको पसंद होती हैं। आप एक बार रसभरी अपने घर पर बनाएं और हमें कमेंट में बताएं आपकी रसभरी कैसी बनी। तो देखिए मेरी चाशनी में भी उबाल आ चुका है, मेरी चाशनी बन चुकी है।
कितने बढ़िया से मेरी चाशनी बन के आई है। अब क्या करेंगे, हमारा ये पनीर भी हो गया तैयार। अब हमको इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। अब इसकी रोल बना लेंगे हम। रोल बना कर इसके हमें छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, एकदम छोटे छोटे बनाने हैं हमें। आप चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं, मैंने इतने छोटे बनाए हैं। सबको इसकी हथेली की सहायता से हमको ऐसे ही गोल गोल कर लेने हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाते हैं ये। तो देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं छेने के। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके हम इसको छोड़ देंगे, सबको छोड़ देने हैं हमने। और गैस को मैंने मीडियम ही रखा है, ना तेज़ है और ना कम है। हम सारे डाल देंगे हम ये। देखिए कितने बढ़िया से हमारे बन के आए हैं गोल 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 गोल। मिठाइयाँ किसको पसंद नहीं होती, सभी को पसंद होती हैं मिठाइयाँ। बाज़ार की तो मिठाई के कहीं नहीं क्या है, पता नहीं कैसी कैसी मिठाइयाँ बनती हैं। आप घर पर शुद्ध मिठाई बनाएं और खाएं। आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं, पर मैंने ऐसा इसमें कुछ डाला नहीं है, क्योंकि मुझे तो इलायची पसंद नहीं है, केसर भी नहीं मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं डाला है। आप डाल सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगी। आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, इससे वो भी इस रेसिपी का आनंद उठा सकें। तो देखिए बातों ही बातों में मेरी रसवरी बन करके तैयार है। मैं आपको प्लेट में निकाल करके दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी रसवरी ठंडी हो चुकी है, कितनी बढ़िया सी मेरी गोल गोल सॉफ्ट सॉफ्ट बन के आई हैं। आप भी अपने घर पर ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट में बताएं आपकी रसवरी कैसी बनी। आप इसको ठंडा करके खाएं, गरम गरम ना खाएं। ठंडा करके खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी ये। ठंडे होने के बाद में क्या है कि आप फ्रिज में भी रख सकते हैं इनको, फ्रिज में रख के खाएं। क्या बात है, मेरी रसवरी बन करके तैयार है। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राधे।